अरे अरे पहले बात सुन। अरे खाना से रोक शांत रहो ना, शांत हो तो शांत रहो। अरे घर अरे अरे कवर करना अरे अरे पहले शान से बात कर यार। अरे बिहार के कटिहार जिला स्थित कोढ़ा प्रखंड के एक आरा मिल में जांच के लिए पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस पर डंडे और पत्थरों से वार किया गया। मामला रौतार थाना क्षेत्र की महिनाथपुर पंचायत के महेशवा गांव का है, जहां वन विभाग को एक अवैध आरा मिल के संचालन की खबर मिली थी। वन विभाग पदाधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन पर मिल के मालिक और गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कोढ़ा वन परिषद पदाधिकारी पुनीता कुमारी ने बताया कि अवैध आरा मिल पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया और महिला वन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। उनकी माने तो हमलावरों ने मोबाइल व वन कर्मियों को आग लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से वे लोग जान बचाकर भागने में सफल रहे। घटना में कुछ वन कर्मियों को चोटें आई हैं। जैसे निकल रहे थे, इसके बाद वो लोग एकदम पब्लिक मोमेंट हो गया वहाँ पे, और फिर सब मतलब फेंकने लगे डंटा वंटा, फिर बर्दी उर्दी खींचने लगे, मतलब अभद्र व्यवहार किया गया। मोबाइल वगैरह भी आपने? हाँ, मोबाइल छिड़का गया और वो जलाने के लिए कुछ उसमें लकड़ी में लपेट करके कपड़ा रखी हुई थी। उन लोग का प्लान था कि मतलब उससे छिड़क के, मोबाइल छिड़क के और उससे आग लगा दिया जाए, इस तरह का कुछ प्लान था। कितना डरे हुए थे? क्या पूरा माहौल किस तरह का था? हाँ, माहौल पूरे मतलब गांव वाला सब पूरे डंडा ले लिया था, पीछे से मतलब ऐसे फेंक रहा था। वहाँ पे जलावन सब तो था ही, आरा मिल पे जिसको जो मिल रहा था, पत्थर ईटा जो, काफी डरे हुए थे। हाँ, मतलब पूरे ऐसे फेंक रहा। वही वन परिक्षेत्र पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि अवैध आरा मिल के मालिक सहित कुछ गाँव वालों ने जाँच करने पहुँचे वन कर्मियों पर लाठी डंडों से वार किया। हमलावरों ने 3 वन कर्मियों को जलाने का प्रयास किया, जिनमें 2 महिला और 1 पुरुष थे। हमले के बाद अब तक 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हम महसवा गांव में अवैध मोहम्मद इब्राहिम के अवैध आरा मिल के जांच करने एवं उससे कागजात मांगने के क्रम में उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, और उसके बाद मेरे द्वारा अपने सहकर्मी को निर्देशित किया गया कि आप अवैध आरा मिल को उखाड़िए। तो उखाड़ने के क्रम में उन लोगों ने के द्वारा मोबाइल फेंक करके, उसके बाद पूरे ग्रामीण द्वारा डंटा, बांस का डंटा, लकड़ी का डंटा लेकर के हम लोगों पर वार किया गया और हमारे गाड़ी को चूर दिया गया। मेरे 2 महिला वनकर्मी का वर्दी फाड़ दिया गया, 1 पुलिस वनकर्मी का वर्दी फाड़ दिया गया, और वहां पर थाना अध्यक्ष भी आए। चूँकि थाना अध्यक्ष की, कोढ़ा थाना अध्यक्ष की बहुत सक्रियता वहाँ पर, और क्विक उनके द्वारा वहाँ पर पदार्पण हुआ। पदार्पण के बाद उनको भी वो लोग नहीं समझ पाया, और उनके द्वारा अनेकों बार परिचय देने के बाद भी उनके शरीर पर भी मोबाइल छींटा गया, वर्दी पर भी, उनके साथ जितने भी वर्दीधारी आए थे। उसके बाद मेरे द्वारा SP साहब को फ़ोन किया गया, पूरी पुलिस बल के साथ उसके मिल एवं उसके मिल पर अवैध सारे सामान को जब्त करके रौतारा थाना में रखा गया है। 50 से अधिक अन्योन आदमी पर FIR दर्ज किया गया है। जिले में सर कई अवैध ऐसे आरा मिल चल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हमारे द्वारा अभी तक जो चिन्हित हो रहा है, जिसमें 47 कल लगा करके 47 मोहम्मद इब्राहिम के लगा करके 47 आरा मिल को मेरे द्वारा उखाड़ लिया गया है। बाकी जो भी चिन्हित होगा उस आरा मिल को मेरे द्वारा उखाड़ करके वन परिसर कार्यालय कटिहार लाया जाएगा।